अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। कुछ दो शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन ही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है और सेकेंड नंबर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा दफ़ा इस चैप्टर में कहता हूँ सबसे ज़्यादा दफ़ा वही शॉर्ट क्वेश्चन आया है, वो क्या है जी, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ज़रा गौर कीजिएगा। पहले नंबर पर देखो पानी H2O फार्मूला आपको आता है, इसमें एक ऑक्सीजन होता है, कितने हाइड्रोजन है, दो। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये हमारे पास ऑक्सीजन आइटम है और ये ऑक्सीजन आइटम का न्यूक्लियस है। ऑक्सीजन आइटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं छः, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छः। ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करेगा, दो हाइड्रोजन के साथ मिला के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये वाला काम हो गया। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल हो गया, सही है। तो अब होता यह है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे रहे होते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे रहे होते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक और भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक और भी नाम दिया जाता है, वो क्या नाम है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और नाम है, वो है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम को जोड़ रहे हो या ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को ये एटम भी अपनी तरफ खींचता है, ये एटम भी अपनी तरफ खींचता है। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कम। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम खींचेगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज़्यादा चले जाएंगे उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शल नेगेटिव, पार्शल, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शल, और सेम काम यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव। मतलब अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर में ये वाला काम हो रहा होता है, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं वाटर की एग्जाम्पल यहाँ बनाऊँ, ये वाटर है, चेक करो H2O है, देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इस तरह आगे फिर थोड़ा सा बना लो, ये हमारे पास हाइड्रोजन, फिर आगे एक और बना लो, इस तरह कर लोगे ये वाला काम, बेशक चार बना लो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया था, वहाँ पे चेक करो पार्शल, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल, फिर ऑक्सीजन का पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव। एक चीज़ मैंने जो आपको हमेशा बता रखी है कि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, पॉजिटिव क्या करेगा नेगेटिव को खींचेगा। अब चेक करो इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या हमारे पास पार्शल नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को खींचेंगे। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप कह जी सर जी हमने लास्ट में पढ़ी थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी तो यही थी कि एक मॉलिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शल नेगेटिव एंड एक दूसरे को खींचता है, और इस तरह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही थी उसको हम नाम दे रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मतलब लास्ट टाइम भी तो हमने यही कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पार्शल पॉजिटिव एंड और पार्शल नेगेटिव एंड के दरमियान पाई जाती है। तो बच्चे याद रखिएगा, आज अपने जहन में एक चीज़ उठा लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक स्पेशल किस्म है, बस। मतलब आप इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कह सकते हो, डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हो, बस। पहले नंबर पर याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन किस तरह करेंगे। कहते ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाई जाती है पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम या अदर एटम। मसलन मैं आपको डेफिनेशन करता था, बाद में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कशिश की वो फोर्स जो पाई जाती है पार्शल इसको कहते हैं पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम
पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास सिर्फ तीन है, कितने तीन एटम है, वो कौन कौन से, एक फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, सही है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन के नीचे हमारे पास हेडिंग बन जाएगी क्या चीज़, एग्जाम्पल के बाद बच्चा हम लिखेंगे कंडीशन। मतलब कंडीशन बच्चा क्या होती हैं, कहते हैं शराइत, मतलब ये चीज़ें होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर ये चीज़ें नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी नहीं हो सकती। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, इधर मेरी बात सुना एक मिनट, अगर कोई बंदा पूछ लेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, अगर ये दो चीज़ें होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर इनमें से एक चीज़ भी ना हुई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सही है। तो पहले नंबर पे देखो मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले नंबर पे तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन एटम का होना यहाँ पे ज़रूरी है। और सेकंड नंबर पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, अगर ये दो चीज़ें उस चीज़ के अंदर मौजूद हैं या किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो यही बात लिखूँगा, टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, पहले नंबर पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, और सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ का होना जरूरी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इन तीन एटम में से कोई भी एटम के दरमियान में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, एक साइड पे हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पे क्या हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये जो एग्जांपल ये कौन सी है, ऑक्सीजन वाली है, एक साइड पे कौन सी चीज़ है हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कौन सी चीज़ है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक साइड पे तो हाइड्रोजन लाजमी होगा और जो दूसरी साइड पे ना उन तीनों में से कोई एक होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कहोगे, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको नहीं कहोगे। देखो आपने एक्सेल पढ़ा लास्ट टाइम, ये वाली चीज़, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पढ़ा था ना। अब इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं देते, क्यों? देखो अगर बंदा आपसे पूछ ले कि इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों नहीं दे रहे, तो आप कहो जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, चलो ठीक है वो तो है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, और सेकंड नंबर मैंने कहा जी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास कौन सा होगा जी, ये वाला क्लोरीन एटम, सही है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, सिर्फ तीन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कौन से, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर ये तीनों में से कोई एक होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बस ये सिंपल सी बात आपने जहन में रख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता करने कि उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। चलो ठीक है जी, ये बात हो गई हमारे पास कंडीशन में, अब कंडीशन के बाद नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ी सी एक छोटा सा नोट बना के लिख लो, ये बात दफ़ा ना MCQ आ सकता है यहाँ से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ
डायपोल, डायपोल फोर्सेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये डायपोल डायपोल फोर्सेस की एक अहम किस्म है या एक थोड़ी सी ख़ास किस्म है। सही है, मतलब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डायपोल डायपोल फोर्स कह सकते हो, इसका मतलब ये है। अच्छा मेरी बात एक जवाब दीजिएगा थोड़ा सा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिकुलर फोर्स कह सकते हैं? सिंपल सा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिकुलर फोर्स कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? देखो दो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल ये वाला वाटर का है, एक मॉलिक्यूल वाटर का ये वाला है, इन दोनों के दरमियान में पाई जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही, आप इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी नाम दे सकते हो। अच्छा अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा मैं इसके हवाले से, किसके हवाले से? वाटर के हवाले से एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहली बात, वाटर मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास देखो, हमारे पास एक ही वाटर के मॉलिक्यूल को पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है? खींचता है। किस तरह? पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम दे रहे हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे रहे होते हैं। तो यही बात हमने सारी के साथ लिखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल इन H2O, वाटर में द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं ये EN लिखूंगा, आपने पूरा वर्ड लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ज़्यादा खींचता है। सही है, हाइड्रोजन एटम, सो इसलिए ऑक्सीजन एटम हासिल कर लेता है, ऑक्सीजन एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह हमारे पास वाटर के एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड और ऑक्सीजन वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम जैसे कहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक कशिश की कुवत कायम हो जाती है, अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। देखो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या नाम देते हैं? इस कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चा एक्सप्लेनेशन को बच्चा कर सकता है तो लाजमी कीजिए, अगर कोई नहीं थोड़ा बहुत लेकिन समझ लीजिएगा, तो मतलब मैंने वही बातें लिखी हैं जो यहाँ पे सारी सारी कही हुई हैं। तो ये था जी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने शुरू में बोला था कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली आपने यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चा, वो नोट तक लाजमी कीजिएगा, नोट तक लाजमी करना है आपने।
सही एक्सप्लेनेशन करके बच्चा सही तरीके से कर सकता है, लेकिन इसको समझ लीजिए कि मैंने क्या बातें लिखी हैं, इन बातों का मतलब क्या है, मतलब आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।